my daddy. तो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एप्पल जैसे दिखने वाले ब्लूटूथ ईयरफोन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं बॉक्स यहाँ पे कि कुछ इस तरह से मुझे डिलीवरी मिली है। बॉक्स तो उतना खास नहीं है कुछ, लेकिन इसके अंदर का कुछ जो सामान है ब्लूटूथ ईयरफोन तो ज़रा अमेजिंग है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आरा बिहार से रहता हूँ, तो आरा बिहार में मैंने ऑर्डर किया था इसे, और यहाँ पर प्राइस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस आपको 549 का पड़ जाएगा ये प्रोडक्ट, जो कि मैंने ऑफर में लिया था। आपको कुछ महंगा पड़ जाएगा, लेकिन मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स कुछ इस तरह का मिलता है। मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया था। तो आप देख लीजिए, पहले मैंने अमेज़ॉन से इसे मंगाया था, तो इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं अनबॉक्स इसे कहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, अनबॉक्स कर दिया मैंने यहाँ पर। अनबॉक्स करने के साथ साथ इस बॉक्स को ओपन करते हैं गाइस। गाइस बॉक्स ओपन हो रहा है, यहाँ पे बॉक्स ओपन होने में थोड़ा देर लग रहा है गाइस, क्योंकि थोड़ा ज़बरदस्त पैकिंग इसने करके दी है, लेकिन घटिया पैकिंग। तो पहले यहाँ पे अपने ब्लूटूथ हेडफोन को निकाल लेते हैं और इसमें देखते हैं और क्या है। गाइस यहाँ पे एक पेपर वर्क है, इसे भी साइड में रखते हैं। आप देखते हैं बॉक्स में, बॉक्स पूरी तरह से खाली हो चुका है गाइस, तो बॉक्स को साइड में रखते हैं और पहले आते हैं पेपर वर्क पे। तो गाइस पेपर वर्क पे सिंपल सा एक वारंटी कार्ड है एक तरह का, जो आप वारंटी के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसको साइड में ही रखता हूँ, क्योंकि इससे तो आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि जो आपको दिखाऊं, तो इसको साइड में रख देता हूँ मैं। तो गाइस असली प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे। तो गाइस ये कुछ इस तरह से आपको मिलता है, आपको जब रिसीव करेंगे आप प्रोडक्ट इस तरह के, आप यहाँ पे बार कोड देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आईडी दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके बगल में यहाँ पे ऊपर इसका यूनिक आईडी दिया हुआ है, जो इसका नाम है HBQ i7, प्रोडक्ट नेम है गाइस। तो आप इसे सर्च करके आप भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पे आपको 5 कलरों में आपको यहाँ पे मिल जाता है गाइस, पहला ब्लैक, वाइट, रेड, रोज़ गोल्ड या गोल्ड, वैसे ही आपको 5 तरह का कलर आपको देखने को मिल जाता है। मैंने इसमें वाइट किया था गाइस। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो पहले से पता नहीं, मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया था, और कैसे खोलते हैं मुझे ये भी आइडिया नहीं है गाइस। तो इसको पहले ओपन करते हैं गाइस। मैं देख रहा हूँ कहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। तो गाइस मुझे मिल गया, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो गाइस ये कुछ मशक्क़त भरी काम है ओपन करने में। वैसे इसको ओपन करते हैं पहले। तो गाइस ओपन होने के साथ साथ कुछ मुझे अजब सी फीलिंग आ रही है, तो चलिए देखते हैं क्या फीलिंग होगी। तो गाइस कुछ इस तरह से बॉक्स आपको मिल जाता है, बस सिंपल सी पैकिंग इसने करके दी है मुझे। तो गाइस मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के साथ साथ सबसे पहला प्रोडक्ट हमको वही ब्लूटूथ ईयरफोन देखने को मिल जाता है। इसको साइड में रखते हैं, आते हैं बॉक्स पे। बॉक्स में और क्या है? तो बॉक्स में ऐसा और कुछ नहीं है गाइस, तो इसको भी साइड में ही रखते हैं। बॉक्स में कुछ नहीं है गाइस, तो इसको साइड में रखते हैं। और इसके साथ मुझे मिला है एक छोटा सा USB पिन, जिससे मैं अपना वो ब्लूटूथ ईयरफोन चार्ज कर सकता हूँ। बस सिंपल सा है गाइस, तो आप इसे अपने मोबाइल में लगा के चार्ज कर सकते हैं। ये है एक यूज़र मैनुअल है गाइस, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए जब आप इसे परचेस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। गाइस मुझे पहले से ही पता था, कैसा आइडिया था पहले से कि मुझे ये कैसे यूज़ करना है, और इसमें क्या क्या फंक्शन है, और कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसको मैं साइड में लेता हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर यूज़ करने से पहले, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस आते हैं अपने ब्लूटूथ ईयरफोन पे। तो इस बहुत ही प्रीमियम लुक देता है ये, ऊपर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये फेक है या दूसरा तरह का है। जैसे गाइस मैंने शुरू में बताया था, इस वीडियो को शुरू में बताया था कि आपको एप्पल जैसी फीलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। गाइस यहाँ पे बस ये एक अंगुली से भी कम, मतलब छोटा है गाइस, आप सोच सकते हैं बहुत ही छोटा एकदम ब्लूटूथ ईयरफोन है गाइस, और देखने में एकदम एप्पल आईपॉड्स के जैसा दिखता है गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है और एक LED लाइट। तो गाइस इसे आप इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका कितना चार्ज हुआ है, कितना परसेंटेज चार्ज हुआ है, या यहाँ पे एक आपको चार्जर डालने की पिन मिल जाती है, जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को। तो इस बहुत ही प्रीमियम लुक मुझे मिल जाती है गाइस। इसको छूने में बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट लग रहा है गाइस, और बहुत ही छोटा सा है,
और मुझे लग रहा है कि एक बार मुझे पहले इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के साथ पहले दो बार एक बार टैप करके कम से कम 3 सेकंड के लिए रखे रहिए। रखने के बाद यहाँ पे ऑन हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए इंडिकेटर लाइट बढ़ रहा है। अगर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये लाइट बुझ जाएगा गाइस, बंद हो जाएगा और एक लाइट ही केवल बरेगा ब्लू वाला। तो गाइस वो भी 1 मिनट में एक बार लाइट बरेगा, और इसे आप टैप करे रहिए तो ये ऑफ भी हो जाता है। और गाइस इसके साथ साथ ये आपको मैसेज भी देता है यहाँ पे स्पीकर में कि ये आपका ऑफ हो चुका है और ऑन हो चुका है। अगर बैटरी भी लो हो तो ये भी इंडिकेट कर देता है गाइस कि योर बैटरी इज लो। तो गाइस इस तरह से आप इसको अनबॉक्सिंग तो देख ही चुके हैं आप। तो अब आते हैं इसके रिव्यू पे। मेरा रिव्यू गाइस यही रहेगा कि 550 रुपये में आपको इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता है गाइस। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैंने जितनी की उम्मीद रखी थी उससे मुझे ज़्यादा मिला है। बस एक बार आप भी देख सकते हैं इसे। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जैसा कि बोला था कि आपके लिए एक छोटा सरप्राइज है, हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सरप्राइज है। तो गाइस उस सरप्राइज में आपको ये ब्लूटूथ ईयरफोन विन करा सकता है, क्योंकि मैं अभी इसका गिव अवे करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से हमारे व्यूअर्स चाहते थे कि हमारे चैनल पर भी एक गिव अवे आए, तो मैं अभी एक गिव अवे रखने वाला हूँ। तो गाइस इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके एक अच्छी सी कमेंट कर देनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है, और आप इंटर हो जाएंगे गिवअवे में। और गिवअवे का अनाउंसमेंट आपको 15 दिनों के बाद हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो गाइज़ अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back that will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family calls.